हेलो स्टूडेंट, मैं ऐशानंद आपसे स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 5 का एक्सरसाइज 25 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 24 तक का सॉल्यूशन देख चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, मैथ स्टेप 5 के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके मैथ स्टेप 5 का किसी भी एक्सरसाइज का वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा लगभग में, अगर आप अब पुराना देख रहे हैं तो, है ना। मतलब इस वीडियो को पब्लिश हुए अगर आपका लगभग में 2-3 महीना हो गया तो बहुत सारा एक्सरसाइज का वीडियो हम डाल चुके होंगे, है ना। तो आप वहां से जाके देख सकते हैं किसी भी एक्सरसाइज का वीडियो जिसका हो सकता है आपको मिल जाए। और आप 1 साल बाद देख रहे हैं तो मे बी आपको सारा एक्सरसाइज का वीडियो मिल जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी एक्सरसाइज 25 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, ए क्लॉथ मर्चेंट सोल्ड 75 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ्स ऑन ए डे। बोलता है एक क्लॉथ मर्चेंट जो है वो 75 होल 1/2 मीटर जो क्लॉथ होता है वो एक दिन में बेचता है। ही सोल्ड 36 मीटर ऑफ क्लॉथ द नेक्स्ट डे। अगले दिन वो इतना मीटर क्लॉथ बेचता है, तो हाउ मच डिड ही सेल इन ऑल इन दोज 2 डेज। तो बताइए उस 2 दिन में वो कितना कितना कपड़ा बेच लेता है। देखो बाबू, यहाँ पे क्या होता है ना कि सिंपल अगर यहाँ पे बोलता 3 मीटर क्लॉथ बेचा और यहाँ पे बोल देता 4 मीटर क्लॉथ बेचा, तो आप आसानी से ऐड करके 3 + 4 = 7 कर देते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है अगर वो फ्रैक्शन में है ना। तो लेंथ ऑफ क्या लिखेंगे, कुछ नहीं ज्यादा तो लिखना है नहीं, बस सिंपल सा लिखना है कि लेंथ ऑफ क्लॉथ सोल्ड इन फर्स्ट डे। पहले दिन कितना क्लॉथ सोल्ड किया गया, है ना, फर्स्ट डे। तो कितना हो जाएगा, 75 होल 1/2 मीटर, इतना ही ना। चलो अब क्या है दूसरा, दूसरा जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ क्लॉथ सोल्ड इन सेकेंड डे। सेकेंड डे कितना क्लॉथ बिकेगा, बिका है तो 36 होल 3/4 मीटर, ठीक है। अब यही पूछ रहा है ना कि टोटल क्लॉथ वो कितना बेचा है ना। तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ ऑफ क्लॉथ सोल्ड, ठीक है। अब सोल्ड कितना बिका यही तो पूछ रहा है, तो आराम से निकाल देंगे, 75 होल 1/2 + 36 होल 3/4, इतना ऐड करके इसी को मीटर में लिख देंगे। तो यहाँ पे ऐड करते हैं तो 75 2 जा कितना हो जाएगा, सबसे पहले 75 जा, तो 75 जा कितना हो जाता है, 7 2 जा 14 होता है, 140 अप प्लस 10 तो 150, 151/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 151/2, इसका मिक्स फ्रैक्शन का हो जाएगा। और प्लस में 3 4 6 4 6 24 प्लस 3 27 का 7 कैरी टू, फिर 4 3 12 और 12 + 2 = 14, 147/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो जाहिर सी बात है 4 आएगा, इधर 2 गुना हो जाएगा, तो लगभग 2 1 2 2 5 10 का 0 कैरी 1, 2 1 2 302 प्लस 147 मीटर। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 7 + 2 9 हो जाता है, और 4 तो 4 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 3 1 4 हो जाता है, और 449/4। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको आंसर भी जो आएगा वो भी किस में आएगा, फ्रैक्शन में ही आएगा। तो फ्रैक्शन में आंसर इसका कितना आता है, चेक कर लिखते हैं यहाँ पे। चलो 4 से डिवाइड करेंगे 4 को 1 टाइम्स में, फिर 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में, फिर 9 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में, और एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो 4 112/1/4 मीटर, ठीक है। इतना आप लिख दोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। और फिर लास्ट में आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे कि हेंस ही सोल्ड इतना मीटर क्लॉथ इन 2 डेज, इन दोज 2 डेज।
देखो बस यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ही सेल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ही सेल लिखा हुआ है, बस यहीं पे हैंस ही सोल्ड कर देना, हैंस ही सोल्ड इतना मीटर क्लॉथ्स इन ऑल इन दोज 2 डेज, इतना लिख दोगे तो आपको नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 4 सूटकेस वेट इतना इतना कि, मतलब अब इसको क्या पढ़ना है, बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब 4 सूटकेस है जिसका वजन दिया हुआ है आपको चारों का। ए पोर्टर कैरीज ऑल द सूटकेस, व्हाट इज द टोटल वेट कैरीड बाय द पोर्टर। बोल रहा है एक कूली जो है वो चारों बैग को उठा रहा है, तो बताइए टोटल कितना वेट उठा रहा है। देखो इसमें सिंपल है, इसमें ज्यादा लिखना नहीं है, ठीक है, बस लिखना है वेट ऑफ, वेट वे ऑफ, वेट मीन्स वजन ही होता है, वे मीन्स भी वजन होता है, वेट ऑफ फर्स्ट सूटकेस, ठीक है, फर्स्ट सूटकेस का वजन कितना है, 10 होल 3/4 kg, ठीक है। अब इसी तरह वे ऑफ सेकेंड सूटकेस वो कितना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 होल 1/2 kg। फिर इसी तरह यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, थर्ड सूटकेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 होल 1/5 kg। और फिर यहाँ पे वे ऑफ फोर्थ सूटकेस, सूटकेस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14 होल 1/4 kg। देखो हम चाहते तो यहीं पे हम इसको फ्रैक्शन, जितना भी ये मिक्स फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ था, ये जितना भी मिक्स फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है, सबको हम इम्प्रॉपर में कर सकते हैं, लेकिन नहीं किए। अब क्योंकि तो टोटल वे ऑफ सूटकेस, टोटल वेट ऑफ सूटकेस, तो सिंपल इसमें क्या करना है आप लोग को ही पता है, ऐड करना है सर, और इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो टोटल वेट ऑफ सूटकेस देखो यहीं पे हम कर देते हैं, 10 4 जा 40 43/4, 43/4 प्लस 12 2 जा 24, 25/2 प्लस 13 5 जा 65, 66/5, 14 4 जा 64, 14 4 जा 64, 65/4 इतना ही है। अब ये सबका एलसीएम लेंगे नीचे वाले नंबर का, तो 4 2 5 4 ये सबका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो मेरे अंदाज से तो ये 20 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ 20 लिखते हैं। 4 के टेबल में 5 टाइम्स में, तो 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 4 जा 20 21, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये कितने से हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई, तो ये तो सिंपल 250 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 6 जा 24 का 4 कैरी कितना, 2, 4 6 जा 24 और 2 26 प्लस प्लस 4 के टेबल में 5 टाइम्स में, तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 6 जा 30 32। अब चलिए इसको ऐड करते हैं दूसरे कलर से ताकि आपको दिखने में आसानी हो। चलिए 5 प्लस 0, वन्स प्लेस पे पहले ऐड कर रहे हैं, तो 5 प्लस 0 5 हो जाएगा, फिर 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 4, 9 प्लस 5 14 का 4 कैरी 1, 2 1 3 3 6 9, 9 5 14 1 15 का 5 कैरी 1, 2 1 3 3 2 5, 5 2 7 3 10, तो 10 54/20 हो गया। अब ये डिवाइड हो सकता है किससे, 4 से होगा क्या, नहीं 4 से तो नहीं होगा, चलो 2 से करके पहले देखते हैं। 2 से 10 बार में तो डिवाइड होना ही होना है, 2 5 जा 10 और यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो 527/10 आया, 527/10। अब ये नंबर किसी से तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो हो सकता है इसका आंसर जो हो जाएगा इतना ही हो जाएगा, कितना, 52 होल, सॉरी 1 मिनट, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 52 होल 7/10।
52 होल 7 बाई 10, यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, बस हो सकता है इसमें 5 क्वेश्चन ले, और इसी को आराम से आपको समझना है। ए रोप इज 52 5 होल 2 बाई 3 मीटर लॉन्ग, इट इज कट इन टू 2 पीसेस। बोलता है इतना मीटर एक लंबा रस्सी है, उसको 2 पीस में काटते हैं। द लेंथ ऑफ 1 पीस ऑफ रोप इज इक्वल टू इतना, तो लेंथ ऑफ अदर पीस इक्वल टू कितना हो जाएगा? ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू कितना, 5 होल 2 बाई 3। अब इसको मैं ही चेंज कर देंगे, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 2 17 का 17 होल बाय 17 बाई 3 मीटर। ठीक है, अब लेंथ ऑफ 1 पीस, लेंथ ऑफ 1 पीस, एक पीस का कितना लेंथ है, तो 4 2 जा 8 19 बाय 4 मीटर। तो लेंथ ऑफ अदर पीस इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो अब यहीं पे अगर हम फिर से एग्जांपल देके आपको समझाते हैं, यहीं पे अगर बोलता है यहाँ लेंथ ऑफ टोटल लेंथ जो होता है वो 10 है और इसमें से एक का 5 है, तो दूसरा बताओ कितना होगा, मतलब इससे 5 मीटर काट देंगे, तो इससे 5 मीटर काट देंगे, तो 5 मान लो यहाँ पे 4 होता, तो 5 10 में से 4 कटा दे तो दूसरा 6, तो उसी तरह यहाँ पे टोटल 17 बाय 3 है, और उसी में से माइनस माइनस कर देंगे 9 बाय 4। माइनस करेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम तो 12 हो जाएगा, 4 17 4 जा कितना होता है आपको पता है, इधर से मल्टीप्लाई करना है, 4 7 जा 28 का 2 4 68, 17 4 जा 68 माइनस 9 3 जा 27, 8 में से 7 जाएगा तो 1 और 6 में से 2 जाएगा तो 4, 41 बाय 12। ये आंसर जो हो जाएगा आपका 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 और 36 के बाद 5 41 हो जाता है, और ये 12 मीटर आपके पास आंसर हो जाएगा, 3 होल 5 बाय 12। हेंस द लेंथ ऑफ अदर पीस ऑफ रोप इक्वल टू कितना, 3 होल 5 बाय 12 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ए मिल्क मैन हैज 20 लीटर ऑफ मिल्क, ही सेल्स 50.3 बाय 3 बाय 5 लीटर ऑफ मिल्क, व्हाट क्वांटिटी मिल्क इज लेफ्ट टू बी सोल्ड, और कितना क्वांटिटी मिल्क बच गया। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 लीटर। फिर क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड कितना वो बेचती है, तो 15 होल 3 बाय 5 है, तो 15 5 जा 75, 75 तो 78 बाय 5 लीटर। ठीक है, अब आता है क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट कितना बच गया, तो क्या करेंगे, 20 माइनस 78 बाय 5 को माइनस कर देंगे, तो आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 15 जा 5 ही होता है, तो 5 यहाँ हो जाएगा 100 माइनस मतलब 15 जा 5, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 जा 100, इधर 78, तो 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, और इधर 9 में 7 जाएगा तो 2, 22 बाय 5 लीटर ये हो सकता है आंसर, या फिर 5 4 जा 22 बाय 5, इतना लीटर आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, तो 4 होल 2 बाय 5 लीटर आपका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हो सकता है इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन हो, क्योंकि आगे वाला जितना भी क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इसमें ऐसे क्वेश्चन कितना है, तो क्वेश्चन में तो इसमें लगभग 18 है, तो हम लोग को कम से कम 9 तक तो करना ही चाहिए, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इक्वल टू RS इतना, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 3 बाय
होल 1/4 kg ऑफ शुगर। देखो अब इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, हम आपको पहले भी समझाए हुए हैं कि अगर वन का दाम दिया हुआ हो, मैनी का दिया हो तो मांग रहा हो तो मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि 1 पैकेट बिस्किट का दाम आपको दिया हुआ है 5 रुपीज, ठीक है, तो 5 पैकेट का क्या करना है आपको, सिंपल 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 को जितना पैकेट होगा उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 1 केजी का इतना दिया हुआ है, तो इतना केजी का निकालने का रहा है, तो आपस में इस दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो इसको पहले इरेज कर लेते हैं और सॉल्यूशन लिखते हैं। एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट कॉस्ट ऑफ 1 केजी शुगर, ठीक है, 1 केजी शुगर का दाम कितना है, तो इसको यहीं पे चेंज करेंगे, RS 14 2 जा, 14 2 जा कितना हो जाता है, 28, 29/2, और फिर कॉस्ट ऑफ 1 केजी, अब यहाँ पे है 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 113/4 केजी का आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 29/2 मल्टीप्लाई 13/4, इतना ही है ना, 14 9 जा 14, 14 2 जा 28, 29/2, 4 3 जा 12, 1/13/4, हाँ। तो इसको अब जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, 29 मल्टीप्लाई 13, तो 13 9 जा कितना होता है, 117 का 7 कैरी 11, 13 2 जा 26, 27 और 37, 37/8, ये आंसर हो जाता है आपका। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 37 कितने बार में, 8 4 जा 32, 5 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 32 में से 37 में से 32 घटाएंगे तो 35 बचेगा, 57, तो 8 7 जा 56 होता है, तो 8 7 जा 56, फिर यहाँ पे कैरी 1 बच जाएगा, फिर 0 आएगा, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, लगभग में यहाँ पे 8 1 जा 8, फिर 2 बचेगा, फिर 8 2 जा 16, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, 8 5 जा 40, तो लगभग में 13, इतना रुपीज आपको आंसर हो जाएगा, 47.13 पैसा, इतना आपका कॉस्ट हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप जब 3377 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो आपको उतना आंसर आ जाएगा। चलिए ये तो नहीं हुआ, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा इस एक्सरसाइज का, ये लास्ट होगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन को हमको नहीं करना है, ताकि बच्चा मतलब भाग ना जाए कि अरे एक्सरसाइज 25 तो इतना बड़ा है, जो थोड़ा थोड़ा करना है, आप लोग को होमवर्क भी तो थोड़ा थोड़ा ही मिलता है ना। चलिए 6 ये लास्ट है, अगर आप लोग मेरे वीडियो मतलब आप लोग को मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, है ना, कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप लोग को मेरे वीडियो कैसा लग रहा है, चलिए तब ताकि और हमको मोटिवेशन मिले कि हम आगे और वीडियो अच्छा अच्छा बनाए, थोड़ा मेहनत करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इफ 15 होल 1/9 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट इतना, तो देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। देखो बाबू सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है, अगर तुमको बहुत सारा मतलब मान लो 10 पैकेट बिस्किट का दाम तुमको दिया हुआ है 50 रुपया, ठीक है, और अगर 1 पैकेट का निकालना है तो सिंपल जितना रुपया है उसमें से जितना का वो दाम है, जितना का वो दाम है उससे डिवाइड कर दो, तो 10 5 जा 50, तो आपको 1 पैकेट का निकल जाएगा। मतलब मैनी का दिया हुआ है और 1 का निकालना है, तो आपको सिंपली डिवाइड करना है, बोले समझ में आया, हाँ तो समझ में आ गया, तो हम लोग आगे बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 होल 1/9, तो 9 5 जा 45, 46/9, 46/9 लीटर ऑफ पेट्रोल पेट्रोल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 92। तो कॉस्ट ऑफ मतलब डिटेल्स देने का मतलब इसको जस्ट यहाँ पे लिखना है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 92 डिवाइडेड बाय 46/9,
9, ठीक है। अब इसको क्या करना है, तो ₹92 आपको ही पता है डिवाइड रहता है तो वो मल्टीप्लाई में बदल जाता है और बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब पलट जाता है। तो 9/46, अब 46 के टेबल में ये 2 टाइम्स में जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका, हाँ, 2 6 12 का, 2 carry 1, 2 4 8 1 9, और आंसर आ जाएगा 9 2 18। इट मीन्स ये 1 लीटर पेट्रोल का दाम लगभग 18 रुपीज है। कितना रुपीज है बाबू? 18 रुपीज है। बोले समझ में आया आपको? ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके हम लोग 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 तक जो करेंगे 6 क्वेश्चन, फिर वो हम लोग अगले वीडियो में पार्ट 2 में करेंगे और पार्ट 3 में इसका पूरा कंप्लीट करेंगे। और सबका लिंक जो है वो हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। आप एक ही वीडियो के किसी भी डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से आपको सब वीडियो का लिस्ट मिल जाए, ठीक है। चलिए, आप लोगों का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।